नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। एक बार फिर स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड में एंट्री किए 51 साल हो गए हैं। अपनी इस लंबी चौड़ी फिल्मी पारी में वो कई एक्ट्रेसेस के हीरो बने। इन्होंने नूतन, माला सिन्हा, जीनत अमान, परवीन बॉबी जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। तो वहीं दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू जैसी नई अभिनेत्रियों के साथ भी ये काम कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उन 6 अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आइए जानते हैं। जब भी कोई अमिताभ बच्चन जी की हीरोइंस का जिक्र करता है तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी को पहली कामयाबी अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर से मिली। 15 साल के करियर में उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया। इसमें 12 फिल्में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की। अपने दौर में परवीन बॉबी सबसे महंगी अभिनेत्री थी। परवीन बॉबी को स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी थी। 22 जनवरी 2005 को वो अपने मुंबई के अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। महानायक अमिताभ बच्चन और नूतन ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था। 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में अमिताभ ने मोती नाम के शख्स का किरदार निभाया था। नूतन और अमिताभ की ये फिल्म काफी पसंद की गई थी। नूतन का निधन 21 फरवरी 1991 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गंभीर अभिनेत्रियों में स्मिता पाटिल का नाम भी शामिल होता है। स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के साथ 1982 में आई फिल्म नमक हलाल और शक्ति में काम किया था। 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में ही नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के निधन से बॉलीवुड चौंक सा गया था। उनका जाना हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नुकसान माना गया। टैलेंटेड अभिनेत्री जिया खान उस वक्त सिर्फ 25 साल की थीं, जब उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जिया ने 2007 में अपना डेब्यू फिल्म निशब्द से किया था, जिसमें जिया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी को तो लेडी अमिताभ का खिताब भी मिला था। दोनों ही सितारे अपने वक्त के सुपरस्टार रहे। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। फिल्म खुदा गवाह में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई थी। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी 2018 को हुई। वो अभिनेता मोहित मारवा की शादी का हिस्सा बनने दुबई गई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि 54 साल की श्रीदेवी दुबई में अपने जीवन की अंतिम सांसें लेंगी। दोस्तों, सौंदर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री थी। सौंदर्या ने अमिताभ बच्चन के साथ सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशम में काम किया था। सौंदर्या का निधन साल 2004 में सिर्फ 31 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से हो गया था। उस वक्त वो एक चुनावी प्रचार करने जा रही थी। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे अनदेखे अनसुने किस्से सुनना है, जानना है, तो बने रहिए आप हमारे साथ सेलेब्स फॉर स्टाइल में। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।